the holy place, past the brazen altar. Lord, I long to see your face. Pass me by the crowds of people, the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found one place. Take me in to the Holy of Holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me in to the Holy of Holies. Take the coal, cleanse my lips. Here I am. Here I am. Bring me in the inner core, the golden light, and through the incense altar. Lord, I long to see your light. Let me touch the colored curtain and clothe in linen white, and part the veil that's hanging, oh, that keeps you from man's sight. So take me in to the Holy of Holies. Take me in, take me in by the blood of the Lamb. Oh, take me in to the Holy of Holies. Take the coal, cleanse my lips. Here I am. Take the coal. Take the coal, Lord, take the coal.
स्वागत है कलीसिया आप सभी का जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। वो लोग जो कनाडा से हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है। वो लोग जो इस समय कलीसिया में बैठे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और वे लोग जो संसार भर में अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें जरूर बताएं कि आप कहां से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमें ये भी बताएं कि जहां आप हैं वहां पर इस समय क्या वक्त हो रहा है, क्या समय है। हम उन सभी पासबानों का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी सभाएं खत्म की हैं और उसके बाद आप हमारे साथ इस सभा के लिए जुड़े हैं। और ये बात दिखाती है कि आपको पता है कि आपका वचन कहां से आता है, आपका जीवन का वचन का जरिया क्या है। इससे पहले कि हम उन बातों की तरफ बढ़े जो परमेश्वर ने आज के दिन हमारे लिए रखी हैं, हम प्रभु का आदर करना चाहते हैं और हम हमारे देने के द्वारा उसकी आराधना करना चाहेंगे। तो वे लोग जो इमैनुअल कलीसिया के सदस्य हैं, इस वक्त आप अपने अर्पण और अपने दशांश ऑनलाइन immanuelmtl.com/give इस वेबसाइट के जरिए अपने अर्पणों को, अपने दशांश को दे सकते हैं। वे लोग जो इस समय शारीरिक रूप से कलीसिया में उपस्थित हैं, आप अपनी कुर्सी से उठकर आगे जाकर अपने अर्पण को, अपने दशांश को जो है दे सकते हैं। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो जैसे ही आप कलीसिया में आए तुरंत जाकर अपने अर्पण, अपने दशांश भी दे सकते हैं। और वे लोग जो संसार भर में कहीं और से देख रहे हैं और अपने अर्पण हम तक भेजना चाहते हैं, आप www.revivenations.org/give इस वेबसाइट के माध्यम से अपने अर्पण आप हम तक भेज सकते हैं। आप इस समय जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पर हैं, हम कुछ बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और जो चीजें परमेश्वर कर रहे हैं उनके लिए हम प्रभु का उत्सव मनाना चाहते हैं। हम एक बहुत ही कठिन विषय को सीख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा के विषय में, परमेश्वर की उपस्थिति के और महिमा के जाहिर होने के विषय में, और कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति के जाहिर होने में एक बाधा बन सकती है। इन बातों को हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर की महिमा के प्रति हमारी एक बुलाहट है, हमें बुलाया गया है। हम सीख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर के पर्वत पर हमें चढ़ना है और किस तरह उस पर्वत पर बने रहना है। इन बातों के विषय में हम सीखते रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आज की सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो इसलिए कि आपको परमेश्वर की आवाज का अंदाजा है और आप जानते हैं कि यहां परमेश्वर की आवाज आप सुन पाएंगे। आप जानते हैं कि यहां परमेश्वर लोगों से बातें करते हैं और ये भी कि जब परमेश्वर बोलते हैं तो चीजें हमारे जीवन में होनी शुरू होती हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह या आज की शाम जहां कहीं से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजें करने को तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर बोलते हैं, हाँ, जब परमेश्वर बोलते हैं सब कुछ बदल जाता है। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बोलने को तैयार है, आपसे बोलने को तैयार है। और मैं विश्वास करता हूं कलीसिया कि आप भी परमेश्वर की बातों के लिए भूखे हैं। लेकिन हमारे सीखने से पहले हम उत्सव मनाना चाहते हैं उन गवाहियों का, परमेश्वर के सामर्थ का जो इन वीडियोस के द्वारा बह रहा है। हमें कई लोग अपनी गवाहियां भेज रहे हैं, कई लोग उनके अनुभव भेज रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर का सामर्थ उनके घरों में, उनके जीवन पर काम कर रहा है और परमेश्वर के उपस्थिति ने परमेश्वर के लोगों को जहां कहीं वो गए हैं स्पर्श किया है। लोगों के जीवन में चिन्ह हुए हैं, चमत्कार हुए हैं और कई चमत्कार घटे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस अनुग्रह का जो इस घर के ऊपर है और उसका अनुग्रह जो उसके लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो हर बुधवार को वचन के द्वारा
द्वारा, हर रविवार को वचन के द्वारा हम तक आ रहा है और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का उत्सव मनाते हैं, धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। तो इस समय हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक क्षण लीजिए, समय लीजिए, अपने कॉमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि इन वीडियोज़ के द्वारा परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की है और क्या चीज़ें इन वीडियोज़ के कारण आपके जीवन में घटी हैं। हमें बताएं कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आए हैं, क्या बदलाव आए हैं और कैसे चीज़ें आपके जीवन में जो है चलती रही हैं या हो रही हैं, घट रही हैं इन संदेशों के कारण। आपके जीवन का कौन सा हिस्सा, आपके सोचने का कौन सा तरीका बदला है इन वीडियोस के कारण, हमें ज़रूर बताएं क्योंकि आपके साथ हम उन बातों का उत्सव मनाना चाहते हैं जो प्रभु आपके जीवन में कर रहे हैं। और जैसे हम इन बातों का उत्सव मना रहे हैं, मैं एक बहुत ही अद्भुत गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूं जो हम तक आई है। एक पास्टर की पत्नी है जिन्होंने हमें ये संदेश भेजा, ये कुछ हफ्ते पहले हमारे पास आया था और उन्होंने ये बातें हमारे साथ बांटी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने हमें बताया कि क्या परिस्थितियां उनके घर में थी। उसने हमें बताया और रोते हुए बताया कि उनके पति को जो है सीने में बहुत ही जो है गंभीर दर्द उठा और उस दर्द के मारे वो जमीन पर गिर गए और उस वक्त ये जो बहन है उसे पता नहीं था क्या करना चाहिए, वो घबरा गई थी। और उन्होंने उस वक्त हमें एक संदेश भेजा था, परमेश्वर के वचन की उन्होंने चाह की थी और कहा था प्रभु से कि वो उनसे बातें करे। और जैसे उस दिन परमेश्वर के वचन की सेवकाई हुई, प्रभु के दास ने ये वचन मुक्त किया कि सब भला है तुम्हारे जीवन में। उन्होंने दोनों ने, पति और पत्नी ने, इस वचन को अपने जीवन पे थाम लिया और इस वचन की घोषणा अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर की कि सब भला है हमारे जीवन में, सब सही है हमारे जीवन में। एक हफ्ते के बाद कलीसिया उन्होंने कुछ टेस्ट कराए थे। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे ये सारी बातें आपको बताऊं, मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। कहा गया कि उन्हें एक्यूट एस्कीमिया है, उसे हृदय का स्ट्रोक कहा जाता है। और एक हफ्ते बाद जब वो डॉक्टर के पास गए, कलीसिया मैं आपको कहूं हमें इस बात का जो है उत्सव मनाना है, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। रिपोर्ट ये कहती है कि जो पेशेंट है उन्होंने 10 मिनट तक जैसा कहा गया था वैसे एक्सरसाइज किया और उस कारण जितनी मेहनत उन्हें करनी थी उन्होंने की और इतना काम करने के बाद भी उनके हृदय की जो गति है वो बिल्कुल ठीक है, 69 बीट्स पर मिनट और रिपोर्ट्स की सारी बाकी वैल्यूज जो है वो नॉर्मल आई है। उनका ब्लड प्रेशर 120/80 वो भी नॉर्मल आया है। ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज करने के बावजूद भी नॉर्मल चल रहे थे, सारी गतिविधियां सही थी, उनका हृदय सही रीति से धड़क रहा था, सही प्रेशर पर धड़क रहा था, उनके दिल के धड़कन की तेजी, उनका ब्लड प्रेशर के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी सही रीति से आ रहे थे। डॉक्टर ने इस बात को रिपोर्ट में घोषित किया कि कोई भी प्रकार का हृदय विकार, हृदय की बीमारी उनके जीवन में नजर नहीं आ रही है और उनके स्ट्रेस लेवल को जांचने के लिए जो टेस्ट किए गए थे वो भी नॉर्मल आए हैं और जो उन्हें हृदय का स्ट्रोक हुआ था उसका कोई भी चिन्ह अब नजर नहीं आ रहा है। अब यह हमारा समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन्होंने उस वचन को थाम लिया जो उनके जीवन पर मुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं और इस वचन के द्वारा उसका सामर्थ हम तक पहुंच रहा है। उन्होंने फोन पर किसी से बातें नहीं की मगर जो वचन उनके जीवन पर मुक्त किया गया था उन्होंने विश्वास से उस वचन को थाम लिया। और मैं विश्वास करता हूं जैसे परमेश्वर का वचन आज हम तक आ रहा है, आए हम परमेश्वर के वचन को थाम ले क्योंकि जैसे हम उसके वचन को थाम लेते हैं चीजें हमारे जीवन में होने को तैयार हैं। जैसे परमेश्वर का वचन मुक्त किया जाता है रास्ते खुल रहे हैं कि परमेश्वर की विजेताएं आपके जीवन तक पहुंच सके। आज सोचे कलीसिया कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आज सोचे कि क्या चाहते हैं आपके परमेश्वर आपके जीवन में करे। गहरा जल, आपके जीवन का वो कौन सा इलाका है जहां आपको छुटकारा चाहिए, आपके जीवन में वो कौन सी जो है रुकावटें हैं जो आप चाहते हैं निकाल दी जाएं। इस वक्त कलीसिया सुने कि परमेश्वर कार्यरत है, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वीडियो के अंदर ही नहीं इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं। इस समय जैसे आप मेरी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर आपके वातावरण में आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे परमेश्वर के दास आते हैं और परमेश्वर का वचन रिलीज करते हैं आप उन वचनों को थाम लीजिए। जैसे परमेश्वर का वचन आता है हम उन पास्टर्स के समान हो जिन्होंने उस वचन को थाम लिया अपने जीवन में, ये कहकर कि ये वचन हमारे जीवन में विजेताओं को लेकर आएगा। ये आपके विजेता का समय है। कृपया मेरी मदद करें कि हम स्वागत करें हमारे परमेश्वर के दास का प्रॉफिट शाईजू मैथ्यू। Sing his praise aloud, sing his praise aloud. गहरे जल को पुकारता है। आपके कायरोस समय में, परमेश्वर के साथ के तय समय में आपका स्वागत है।
एक मनुष्य के आत्मा के अंदर जो गहराई है वो निरंतर रूप से परमेश्वर के अंदर जो गहराई है उसको पुकारता रहता है, और परमेश्वर के अंदर जो गहराई है वो निरंतर रूप से मनुष्य के अंदर की गहराई को खोज रही है। मनुष्य के अंदर की कमजोरी और ज़रूरतें और परमेश्वर के अंदर की भरपूरी, इन दोनों के बीच में एक महासागर जितना अंतर है। और इन वीडियोस के द्वारा जो हम हर हफ्ते आप तक पहुंचा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दूरी को थोड़ा घटा सके, और उसके द्वारा ऐसा हो कि आप परमेश्वर की करीबी और परमेश्वर के उपस्थिति के साथ कुछ और गहराई से जुड़ सके। आज मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर आप अपने बाइबल्स अपने साथ लेकर बैठे हैं तो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय खोलें और उसका 21वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को उन पर प्रकट करेंगे, विशेष रूप से वे लोग जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर दाऊद की भाषा में ये कहा जाए तो उनके विषय में जो उसकी आज्ञाओं में अपना आनंद पाते हैं। ऐसे ही लोगों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं उनसे उसका पिता भी प्रेम करेगा, और वे जिनसे पिता प्रेम रखते हैं उनसे ही यीशु मसीह भी प्रेम रखेंगे और उन्हीं पर अपनी उपस्थिति को जाहिर करेंगे। पिछली बार हमने ये सीखा था कि किस प्रकार यीशु मसीह हम में से हर एक से प्रेम करते हैं, लेकिन एक गहरा रिश्ता उनके संग भी है जिनसे वो इस हद तक प्रेम करता है कि उन्हें अपनी उपस्थिति को जाहिर करके दिखाता है। और वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखा है उसकी आज्ञाओं को पूरा करना, जिन्होंने सीखा है कि अपने शरीर के लिए किस तरह मरा जाता है। जैसे आपके अंदर की गहराई परमेश्वर की गहराई को पुकारती है, उसी रीति से आपका शरीर भी उन शरीर की ही बातों को पुकारता है, उनकी चाहत रखता है। हमारा नाशवंत स्वभाव निरंतर रूप से हमें आकर्षित करने की कोशिश करता है, हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, हमें भ्रमित करने की कोशिश करता है, उस जगह से हमें दूर ले जाने की कोशिश करता है जहां परमेश्वर में हमें होना है। जब हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से दूर हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाते उतना ज़्यादा हम उसकी उपस्थिति के जाहिर होने से दूर होते जाते हैं। मैं सफाई से ये कहना चाहता हूँ, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में यीशु मसीह तो हैं पर ये सौभाग्य उन्हें अभी तक नहीं मिला कि वे यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में जाहिर होता हुआ देख सकें। और पिछले कुछ हफ्तों से हम इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में जाहिर होता हुआ देख सकें। परमेश्वर के लोगों, में आशा करता हूँ कि आपका हृदय इस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो आज जिस दुविधा को हमें हल करना है वो कुछ ऐसा है। तो अगर परमेश्वर की उपस्थिति का जाहिर किया जाना उन लोगों के लिए बचा कर रखा गया है जो उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हम एक ऐसी कहानी भी जानते हैं, घटना को जानते हैं जहां सॉल, जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, उसे परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शन मिला, जाहिर उपस्थिति उस पर की गई। तो अगर हम उस कहानी को बारीकी से पढ़ें, ध्यान दें, तो हम ये सीख पाएंगे कि असल में ये वचन कहता क्या है। क्योंकि अगर हम सॉल के जीवन को देखें तो वो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन तो कर नहीं रहा था, वरन
ठीक उसके उलट उसकी जिंदगी के कार्य थे। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस वचन का असल मतलब क्या है? पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे यहेजकेल के विषय में बातें कर रहा था और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे अलग अलग स्तरों से परमेश्वर की आवाज किसी एक व्यक्ति के पास आती है। उसी विषय पर मैं आपको आज और थोड़ी गहराई में ले जाकर इस प्रकाशन को समझाना चाहता हूँ। जब आप ये सुनते हैं कि गहराई गहराई को पुकारती है, इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर की जो गहराई है उसे एक न्योता दिया गया है कि वो परमेश्वर की गहराई को जाने और उसका अनुभव करे। लेकिन रहस्य ये है कि हमें वहाँ जाना है जहाँ वो है, और बात ये भी है कि हम तब तक उसके पास नहीं जा पाते जब तक पहले उसकी आवाज़ हम तक न आ जाए। तो परमेश्वर की आवाज़ आप तक आती है और आपके अंदर की गहराई उस आवाज़ को प्रत्युत्तर देती है। ऐसा करने से आप उस आवाज़ के सोत्र तक पहुंच पाते हो और वहां आप उसकी करीबी का, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर पाते हो। इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब बाइबल उस पुत्र के विषय में बात करती है जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था, अगर आप ध्यान दें तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो पिता जाता है और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा ऐसा बेटा है जिसने पहले ही उसके पिता के प्यार का अनुभव किया हुआ है। उसने पहले ही अपने पिता के बल और उसके अनुग्रह का अनुभव किया है और इसके बावजूद वो ये चुनाव करता है कि वो अपने पिता को छोड़कर कहीं और चला जाए। तो वो पिता क्या करता है? आप देखते हैं कि वो पिता हर दिन इंतज़ार करता है, बाँट जो होता है कि किसी दिन उसका बेटा घर वापस आएगा। और जब वो अपने बेटे को दूर से आता हुआ देखता है तो वो दौड़ कर जाता है, उसे अपने गले लगाता है, उसे अपने करीब लेता है, उस बेटे को जिसमें से अब सुअरों की बदबू आ रही है। शायद इसीलिए बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे करीब आओ और मैं और भी तुम्हारे करीब आऊंगा। तो परमेश्वर की आवाज अब उस व्यक्ति के पास आ रही है जो परमेश्वर से दूर हो गया है, उसके रास्ते से दूर हो गया है या गुनगुना सा हो गया है। उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की आवाज आती है और वो आवाज उससे कहती है, तू मेरे करीब आ और मैं तेरे और भी करीब आऊंगा। जब वो आवाज उन तक आती है तो एक संदेश है जो प्रभु की ओर से उनके पास आता है, एक न्योता है जो प्रभु की ओर से उनके पास आता है। जरूरी यह है कि हम उस आवाज को परमेश्वर की जाहिर उपस्थिति समझने की गलती न करें। और जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की उस कोमल आवाज का उत्तर देता है, वो आवाज जो उसके हृदय तक आई है, जब उसका जवाब देता है, वो उत्तर उसे प्रभु की गहराई में ले चलता है। और ऐसा करने से वो परमेश्वर से महान अनुभवों को पा सकता है। इन्हीं बातों को आप परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता एलिया के जीवन में देख पाते हो। एलिया ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा से परमेश्वर की आवाज को सुनता आ रहा था, और अब ऐसा हुआ है कि निराशा ने उसके जीवन पर कब्जा कर लिया है। वो निराश हो गया है, हताश हो गया है, आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो हार मान चुका है। वो परमेश्वर को कारण दे रहा है कि क्यों परमेश्वर ने उसे छोड़ देना चाहिए और क्यों परमेश्वर ने उससे उसकी जान ले लेनी चाहिए। और जब वो इसी प्रकार विलाप करता हुआ उस झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तब परमेश्वर का संदेश एक संदेशवाहक के द्वारा उस तक पहुंचता है। ध्यान दें कि वो संदेशवाहक एलिया को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए नहीं आया था। वो उससे सवाल करता है कि एलिया, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? याद रखें कि परमेश्वर का स्वर्गदूत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक आत्मिक जीव है जो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो स्वयं आत्मिक है और परमेश्वर के दिए हुए ओहदे में काम कर रहा है। वो परमेश्वर का नबी है
और उस ओहदे में वो काम कर रहा है। तो एक आत्मा अब दूसरे आत्मा से ये कह रही है कि एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है। तो जब आप इस सवाल को सुनते हैं शायद आप ये कह रहे हैं कि वो स्वर्गदूत एलिया को डांट रहा है क्योंकि वो उस झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्वर्गदूत उसके आत्मा का जो हाल है उसके विषय में उससे बातें कर रहा है, पूछ रहा है उससे कि तू आत्मिक क्षेत्रों में कहाँ है, किस जगह पर है। और इस समय एलिया गिरा हुआ था, वो निराश था। तो वो आवाज़ उस तक पहुँचती है और सवाल करती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे आगे एक बहुत लंबी यात्रा बाकी है, 40 दिन की यात्रा करके तू कर्मेल पर्वत तक पहुँचेगा। उतना ही नहीं, वहाँ पहुँचकर तुझे कर्मेल पर्वत पर चढ़ना होगा और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति तुझ पर जाहिर होगी। तो सवाल यह है कि आत्मिक रीति से एलिया कहाँ था? जहाँ उसकी परमेश्वर से मुलाकात होने जा रही थी उस जगह से वो काफ़ी दूर था। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर की आवाज़ उस तक परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के हृदय को लेकर आ रहा है। वो उस तक परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर आ रहा है। मैं इस समय हर चीज़ को मानो एक धागे में पिरो रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। वो स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू आत्मिक रीति से यहाँ इस हाल में नहीं पाया जाना चाहिए एलिया। जिस जगह में तू कभी कार्य किया करता था या जिस जगह पर तू परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहा है, यहाँ से अगर तुझे उस जगह पहुँचना है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति तुझ पर जाहिर की जाए, तो तुझे एक यात्रा करनी होगी। 40 दिन का चलना है, 40 दिन हार नहीं मानना है, 40 दिन तक थकना नहीं है। उसके बाद तू कर्मेल पर्वत तक पहुंचेगा, फिर तुझे उसकी चढ़ाई करनी है, ऊपर उस पर्वत के जाना है जहां बाकी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से तू अपने आप को अलग कर लेगा और वो जगह तुझे हर नैसर्गिक बातों से दूर कर देगी। उस जगह पर जाकर तुझे परमेश्वर के साथ अनुभव मिलेंगे, तू उनकी उपस्थिति का अनुभव कर पाएगा। क्या मैं आपको कुछ ज़्यादा दे रहा हूँ? मुझे ये सवाल निरंतर अपने आप से करना पड़ता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे अनुमति दे रहा है कि उन लोगों के लिए ये संदेश मैं दूँ जिनकी गहराई परमेश्वर की गहराई को खोज रही है, जो ऐसा होने देंगे कि उनके अंदर की गहराई परमेश्वर की गहराई के न्योते का जवाब दे सके, उत्तर दे सके। इन्हीं बातों को आप मूसा के जीवन में भी देखते हो। आप देखते हो कि वो क्षण था जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा। वो जलती हुई झाड़ी एक बोलने वाली झाड़ी थी। परमेश्वर उस झाड़ी के द्वारा मूसा से बातें करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जिसने परमेश्वर की हृदय की आवाज को सुना। वो परमेश्वर के एक चिन्ह को देखता है और उसके बाद उसके हृदय के अंदर जो परमेश्वर की आवाज उठती है उसका वो उत्तर देता है और कहता है मुझे इस जलती हुई झाड़ी को थोड़ा और करीब से देखना होगा। क्या आप एक ऐसी जगह में हैं जहां आप परमेश्वर के एक चिन्ह को देख पाते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं? एक और बार, क्या आप किसी वस्तु को, किसी चीज़ को देखकर परमेश्वर की आवाज़ को आपसे कुछ कहता हुआ सुन पाते हैं? परमेश्वर के लोगों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे दिन में प्रभु कितनी ही चिन्हों को हमारे जीवन में हमारे लिए रख छोड़ता है और वो सारे चिन्ह आपका ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उन चिन्हों को देख पाते हैं, समझते हैं और कहते हैं कि मुझे उस आवाज की ओर मुड़ना है, और जब हम उस आवाज के करीब जाते हैं, ये चाबी है प्यारो, जब हम उस आवाज के जो हमारे आत्मा के इतने करीब है उसके करीब जाते हैं, तब जाकर हम प्रभु की ओर से उस अनुभव को, उस मुलाकात को पा सकते हैं। कई लोग उस स्थान तक
नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर की महिमा जाहिर होती है उन पर, क्योंकि उन्होंने कभी उसकी आज्ञाओं का या उसकी आवाज़ का पालन नहीं किया। तो अब मुझे अनुमति दे कि मैं आपको नए करार में सॉल की कहानी की ओर ले जाऊं। आप एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को देख रहे हैं जो एक खून करने वाली आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जा रहा था, और जिस रास्ते पर वो जा रहा था मानो स्वर्ग से एक बिजली सी कड़की और उस रास्ते में उसे रोक दिया गया। ये व्यक्ति सॉल, जो मसीही लोगों को मार दिया करता था, उसके लिए एक ऐसा ही अनुभव जरूरी था ताकि वो रुक सके। मैं आपको ये बता दूं कि हम में से हर एक व्यक्ति के लिए कोई चिन्ह होता है, कोई धक्का होता है या कोई हल्की सी आवाज होती है जो काफी है कि हमें रोक सके उस रास्ते में जहां हम बढ़ रहे हैं। वो आवाज क्या है? वो उस गहराई की आवाज है जो हमारे आत्मा की गहराई को पुकारता है हर एक विश्वासी के लिए। कई बार पूरे दिन में कई दफा कई चिन्ह हैं जो हमें उस रोशनी की तरफ न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो उस आवाज़ को सुन पाते हैं और उसका जवाब देते हैं। जब आप सॉल के जीवन को देखते हो, वो जैसा परमेश्वर की आवाज़ के प्रति जो है संवेदनशील नहीं था, उसके अंदर इतना गुस्सा था, वो मसीहियों को मार डालना चाहता था, उसके लिए उस प्रकार का ही धक्का लगना ज़रूरी था। और सॉल ने उस आवाज़ को उत्तर दिया। उसने कहा, आप कौन हैं प्रभु? और तुरंत उसने अपने आप को उस आवाज़ के अधीन कर दिया। याद रखें, उस समय केवल आवाज उसके पास आई, परमेश्वर की उपस्थिति उस पर जाहिर नहीं की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल एक यात्रा पर निकलता है जहां वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है। हम ये देखते हैं वहां से सॉल अरेबिया के रेगिस्तान में चला जाता है, 3 साल वहां गुजारता है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव उसे होते हैं, परमेश्वर से मुलाकातें वो करता है, यहां तक कि वो कहता है कि उसे 3rd स्वर्ग तक उठा लिया गया था। तो मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूला को समझें। परमेश्वर की आवाज आपके पास आती है, फिर चाहे वो एक छोटी कोमल सी आवाज क्यों ना हो, वो एक चिन्ह के द्वारा हो सकती है या एक भारी धक्का हो सकता है जो किसी घटना के द्वारा या आपके जीवन के किसी एक क्षण में आपको लग सकता है। जब आप उस आवाज पर ध्यान देते हो, तब आप उसकी आवाज की आज्ञा मानते हो, तब आप उसकी इच्छा को पूरा करते हो, तब आप उसकी आज्ञाओं को प्रत्युत्तर देते हो। वो आवाज, वो हल्की सी कोमल आवाज या वो धक्का या वो चिन्ह, इनका मकसद ये है जो प्रभु उनके पास भेजता है। वो इसलिए कि जब हम उसकी आवाज को उत्तर देते हैं, तब वो अपने आप को हम पर और भी ज्यादा जाहिर करता है। हम में से कुछ लोग उस आवाज के प्रति आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान भी बहुत जल्दी भटक जाता है। आप में से कुछ लोग अभी इस वीडियो के द्वारा भी परमेश्वर की उस अग्नि का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या इसके तुरंत बाद आपका ध्यान भटक जाएगा? अभी इसी वक्त कोई है जिसका हृदय इस बात के लिए उत्साहित हो रहा है कि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत की ऊंचाई पर जाए, लेकिन क्या हम जिस तेजी से उस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़े हैं, उससे ज्यादा तेजी से नीचे आने को भी तैयार हैं? हमें यीशु मसीह को थोड़े समय का उत्तर नहीं देना, हमें उसे जीवन भर का समर्पण देना है। मेरी प्रार्थना यह है कि ये वीडियो आपके जीवन में एक प्रोत्साहन लेकर आएगी, कि इतना ही नहीं कि आप अपने शरीर को क्रूसित कर दोगे या अपने शरीर का इनकार करोगे, लेकिन उससे आगे बढ़कर आप अपने शरीर को वहीं उस क्रूस पर रहने दोगे। क्या हम अपने आप को उस गर्व की आत्मा से दूर ले जाकर नम्रता में बनाए रख सकते हैं?
कैसे अपने पति या अपने पत्नी के साथ अपने रिश्ते को सही करके, बच्चों ने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर ये करना है, अपनी आंखों को बचा कर चलते हुए और अपने विचारों में शुद्धता लाते हुए ये करना है। कृपया मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक खोले, उसका 42वां अध्याय और 5वां वचन। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। ये अय्यूब के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये सारी बातें वो परमेश्वर के साथ कर रहा है और इसी बीच उसके कारणों को भी वो परमेश्वर के सामने रख रहा है। और उस आखिरी अध्याय में वो समय भी आता है जहां वो परमेश्वर से एक मुलाकात करता है, वो समय जहां वो अपने आप को प्रभु के अधीन करता है, जहां वो अपने आप को प्रभु के सामने हार मान लेता है और कहता है कि प्रभु, इन सारी बातों में मैं ये जानता हूं कि आप फिर भी सही हैं। वो मुलाकात का समय जिसके कारण उसका जीवन बदल जाता है, उस समय में सब कुछ मानो पुनर्स्थापित हो जाता है। आपको याद रखना है कि आवाज उस तक पहुंची थी, लेकिन वो आवाज सिर्फ एक चाबी है जो आपको एक महान ऊंचाई की जगह पर ले जा सकती है। उस आवाज ने चीजों को उसके जीवन में पुनर्स्थापित नहीं किया, लेकिन उस आवाज के आने के बाद उसके जीवन में, उसके हृदय में कुछ बातों का होना जरूरी था और उन बातों के बाद वो उस जगह पर पहुंचता जहां उसके जीवन में बातों का पुनर्स्थापना होता, उसके जीवन में महिमा नजर आती। मेरी प्रार्थना है कि वे लोग जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जैसे आप परमेश्वर की उस आवाज का जवाब देंगे जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, ऐसा होने पाए कि प्रभु आपको उस अगले स्थान पर ले जाए जहां परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में बातों को जन्म दे। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा होने पाए कि चीजें आपके जीवन में जन्म लेना शुरू करें। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चमत्कार आपके जीवन के लिए होने पाए, ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का हाथ आपको उस जगह पर लेकर आए जहां आप अपने जीवन के अगले स्तर के लिए तैयार हो। किसी ने मुझसे ये पूछा कि पास्टर जी, जब आप महिमा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो क्या असल में हमारे साथ ऐसा हो सकता है? मैं उनसे कहता हूं, ये आप पर निर्भर करता है, उस बात पर निर्भर करता है कि जब वो आवाज पहली बार आपके पास आई थी तो आपने उसका उत्तर कैसे दिया था। ये इस बात पर निर्भर है कि आप इस दौड़ में कितनी दूर तक जाना चाहते हो। ये इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी ऊंची पर्वत पर चढ़ना चाहते हो, और इस बात पर भी कि उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद आप कितनी देर तक वहां रहना चाहते हो। परमेश्वर के लोगों, इन बातों पर निर्भर है कि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति का जाहिर होना किस स्तर पर अपने जीवन में देख पाएंगे। परमेश्वर अपने आप को पूरी रीति से आपको दे देना चाहता है। आपके अंदर की गहराई जो है, परमेश्वर के अंदर की गहराई की परिपूर्णता को पुकारती है, सिर्फ उसके एक छोटे से भाग के लिए नहीं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस रास्ते पर आप कितनी दूर तक चलना चाहते हो। भजन संहिता की पुस्तक में बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ है कि चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। देखिए, परमेश्वर के बच्चों के विषय में एक बात जरूरी है, आपने परमेश्वर की आवाज जब आपके पास आती है, वरन अभी भी इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की जो आवाज आप तक पहुंच रही है, उसे आपने हल्के तौर पर नहीं लेना है। परमेश्वर हम में से कुछ लोगों को उस गहराई के स्थान पर आने का न्योता दे रहे हैं। वो हमें एक ऐसी जगह जाने का न्योता दे रहे हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति इतने भारी रूप से उस एक स्थान पर बनी हुई है कि अब उस स्थान पर परमेश्वर की महिमा जाहिर हो रही है। लेकिन हर एक उदाहरण जो आज मैंने आपको दिया, उसी रीति से परमेश्वर की आवाज इस समय आपके हृदय तक आ रही है। आप इस आवाज को किस रीति से
उत्तर देते हैं उस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किस स्तर पर आपके जीवन में जाहिर होती है। याद रखें कि जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो वो वचन स्वयं परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर आपको एक गहराई की जगह में चलने का न्योता दे रहा है, एक और गहरे स्तर पर चलने का, एक और भी महान महिमा की ओर चलने का। तो इस बात से हमें ये समझ मिलती है कि जब परमेश्वर की आवाज हमारे तक आती है, वो आपको मानो तैयार कर रही है कि आप एक यात्रा पर जाएं जो आपको महिमा के ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। उस यात्रा की शुरुआत अभी होती है प्यारो, जब वचन आपके पास आता है और आप पूरी समझ के साथ उस आवाज को उत्तर देते हैं। आप ये कहते हैं कि मुझे ये अद्भुत दृश्य और भी करीब से देखना होता है। जब आप ऐसा उत्तर देते हैं प्यारो, तो वो बातें जो शुरुआत में नजर नहीं आती, अब वो आपके छूने भर की दूरी पर है और वो अनुभव भी आप तक आता है। क्या आप इन बातों के लिए तैयार हैं? क्या आप इन बातों के लिए तैयार हैं जिनमें अभी आपके दोस्त कदम नहीं रख पाए हैं? क्या आप ऐसे जगहों पर जाने के लिए तैयार हैं जहां से वापस आकर आप ये कहेंगे कि जिन बातों को मैं देख कर आया हूं उन्हें बताने की अनुमति मुझे नहीं है? ये सब कुछ आप पर निर्भर है और आप ही का चुनाव है, लेकिन वो वचन आवाज अभी आप तक जरूर आ रहा है। तो परमेश्वर के लोगों, ये वो समय है, ये वही समय है प्यारो, ये वही समय है। तो वे लोग जो इस समय कलीसिया में शारीरिक रूप से अभी उपस्थित हैं, हम एक और बार आपका स्वागत करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप बाकी की सभा के लिए खड़े हो सकते हैं जब मैं आपको इस अगले वचन में ले चलना चाहता हूं। आप अगर अपने घरों में भी कुछ करना चाहते हैं, घुटनों पर जाना चाहते हैं, जिस प्रकार आप इस आवाज का प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इस समय हम स्वागत करते हैं उन स्वर्ग दूतों का, हम आज्ञा देते हैं स्वर्ग दूतों को कि जहां आप हैं वहां वो आप तक पहुंचे। यीशु मसीह के नाम में दुष्टता की हर सामर्थ जो आपको और आपके परिवार को रोक रही है कि आप उस परम पवित्र स्थान में कदम रख सके, यीशु मसीह के नाम में जैसे ये आवाज आप तक पहुंच रही है, दुष्टता के वो काम गिरफ्तार किए जाते हैं यीशु के नाम में। जैसे परमेश्वर की ये आवाज आप तक पहुंचती है और जैसे आप जवाब देते हो उस आवाज का, ये बातें आपके जीवन में होने पाए। जैसा आप शारीरिक रूप से भी जवाब देते हो, आप घुटनों पर आते हो, परमेश्वर का ये आवाज आप तक पहुंच रहा है, आपके जीवन में ऐसा ही होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपके महिमा के जाहिर होने का स्वागत करते हैं, हम हमारे बीच चिन्हों और चमत्कारों का स्वागत करते हैं यीशु के नाम में। हम स्वागत करते हैं कि चमत्कार हो इसी समय, शोमोंत्रो कोराबासी आता, अभी इसी वक्त चंगाइयां होने पाए यीशु के नाम में, इसी वक्त हर प्रकार की गांठें गायब हो जाए यीशु के नाम में, इसी समय परमेश्वर की महिमा आपको भर दे जहां कहीं आप हैं, आपके मन साफ हो जाए, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, आपका हृदय साफ हो जाए, आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो यीशु मसीह के महान नाम में, यीशु मसीह के महान नाम में। रेमो दाराबासी अंठाता रेखे दो रोबो शांठाता रबा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप में अन्य भाषा बोलने का वरदान है तो मैं चाहता हूं आप अपनी आवाजों को बुलंद करें और अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। क्या परमेश्वर एक वीडियो के द्वारा उसकी जागृति को भेज सकता है? ये वो समय आपके लिए होने दो, इसी समय उस उपस्थिति को पाओ आप जहां कहीं हैं, इसी समय पवित्र आत्मा की वो हवाएं आप तक पहुंची यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह की ओर से उस ताजा अनुग्रह को पाओ इस समय, इसी समय परमेश्वर पिता का प्रेम जो आप तक आ रहा है उसे पाइए अभी यीशु के नाम में। शाखारियां थथारबा, कोई अपने हाथों को ऊंचा करे, कोई अपने चेहरे पर जमीन पर गिर जाए, कोई उसे कहे प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र हैं, आप कितने बलवान हैं, आप कितने अद्भुत सलाहकार हैं, तू हमारा शांति का राजकुमार है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह की महिमा इसी समय आपके घरों में आ रही है।
आपके जीवनों में आ रही है इसी समय। इन बातों को ले लीजिए, परमेश्वर के लोगों ले लीजिए, अपने आप को रोक कर ना रखें, क्योंकि मैं जानता हूं चीजें हो रही हैं इस समय आपके जीवन में, चीजें हो रही हैं आपके शरीरों में भी इस समय। इस समय अपने आप को रोक कर ना रखें, परमेश्वर की नदी में आप अपने आप को गिरा दें। चमत्कार हो रहे हैं इस समय, चंगाइयां हो रही हैं इस समय। पवित्र आत्मा धन्यवाद। कुछ घाव जो बचपन में आपको लगे थे वो इस समय गायब हो रहे हैं। कुछ चीजें जिन्होंने आपको बंधक बना लिया था वो इस समय टूट रही हैं आपके जीवन पर से, यीशु मसीह के महानाम में। रमांथो रोकोलो बोसी अंतरबा। अगर आप तैयार हैं, हाँ अगर आप तैयार हैं और आपके आसपास का वातावरण तैयार है, अगर आप उस अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको प्रभु के इस आवाज को जवाब देना होगा जो इस समय आपके पास आ रहा है। इस समय आपके आमेन बुलंद हो और सफाई से सुनाई देने पाए। शखराबासी नमासी अंतरुखो। कोई अपनी आवाजों को ऊंचा करे, कोई अपने हाथों को ऊंचा करे, कोई तालियां बजाकर यीशु मसीह की आराधना करे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। प्रभु के लोगों इस क्षण प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमारे साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ है। क्या आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या आप उसकी कोमल धीमी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या आप उसके चिन्हों को इस वीडियो के द्वारा देख पा रहे हैं? क्या आप उससे वो धक्के को पा सकते हैं इस वीडियो के द्वारा? हाँ 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 हाँ, ये वो आपके जीवन का वो निश्चय किया हुआ समय होने पाए। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। We love you, we'll never stop, can't live without you, Jesus, we love you, we'll never stop. Jesus, oh, sing it out. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you. Lambroso, oh, we love you. We'll never stop, can't live without you, Jesus. Oh, we love you, Lord, and we'll never stop, can't live without you, Jesus. We love you, Lord, we love you, we'll never stop, can't live without you, Jesus. Mara mayantara baba, go ahead, speak in tongues. Hallelujah, 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 hallelujah. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। शखरा बाबा बाबा सी अंडा। चलो आगे बढ़ते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Shadarana rabasiente deriana namasianto robo. Shadarana namaseliara nonomo santada. ऐसा होने पाए कि परमेश्वर की महिमा आपके घरों में जाहिर होने पाए। प्रभु इस समय आपके लोगों की आंखों को आप खोलें। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है प्रभु। हाँ, परमेश्वर की लहरें मानो यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा की लहरें यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा की लहरें यहाँ पर हैं प्यारो, पवित्र आत्मा की लहरें यहाँ पर हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता हूँ और वो इस समय आपके घरों में उपस्थित है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, कोई उसे गले से लगाए इस समय, कोई उसके चरणों को चूम ले इस समय, कोई प्यार करे उससे। हमें आपसे प्यार है प्रभु, 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 हमें आपसे प्यार है यीशु मसीह। समय आ गया है प्यारों, समय आ गया है। शखांदोरो बोसी अंतारा खराबा से खेरो दोरो बोधी अंतारा बासी अंत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 12वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ता हूं, अगर आप चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके बस प्रभु के साथ आप जुड़े हुए रहें। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच मैंने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ये हमारा प्रभु है, ये हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता है, ये हमारा राजाओं का राजा है। प्रभु की आवाज, उसका खत आप तक आया है, उसका वचन आप तक आया है। यहां कलियां खिलती है, पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। परमेश्वर के लोगों, उसकी आवाज को प्रत्युत्तर दो। मेरे साथ दूर चले चलो, मेरे साथ अलग चलो, कहता है दूल्हा। प्रभु की आवाज कहती है, आओ मेरे पास ऊंचाई पर आ जाओ। वो दूल्हा पुकार कर कहता है, मेरे अंदर के कमरे में आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको आज और गहरे ले जा रहा है। आपका जीवन ऐसा ही नहीं रह सकता। हमें आपसे प्यार है प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं यीशु। परमेश्वर की महिमा ने जब यूहन्ना को स्पर्श किया, उसमें जीवन आ गया। जीवन अब आपके पास आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की ओर से जीवन इस वचन के द्वारा आपके पास आ रहा है।
उठो और चलने लगो, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आया है। तुम्हारा प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है और इसीलिए आप इस समय यहां उसके हृदय को सुन रहे हो। इस हफ्ते, इस महीने, इस साल आपको किसी और वचन की जरूरत नहीं है। ये वचन आपके लिए काफी है कि वो आपको उस परम पवित्र स्थान में ले जाए, वो स्थान जहां इतिहास रचने वाले जन्मते हैं, जहां इतिहास रचने वाले बनते हैं, जहां स्वर्ग की भट्टी में बेदारी लाने वालों को आकार दिया जाता है। दरवाजा खुला है प्यारों, क्या आप प्रवेश करोगे? क्या आप इस न्योते का फायदा उठाओगे? आप कितना दूर जाने को तैयार हो? आप कितना ऊंचा उठने को तैयार हो? उन बातों की शुरुआत आज हो चुकी है, आज हो चुकी है। मैं अब और कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। मैं आपको हमारे प्रभु यीशु के हाथ में सौंपता हूं, हमारा प्राणों का प्रिय आपके लिए व्याकुल है। उसकी इच्छा केवल आप हैं, आपसे बहुत प्रेम किया गया है। उस पहाड़ की चोटी पर बने रहें जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। प्रभु आपको आशीष दे।